बड़े बॉलीवुड एक्टर्स एंड टेलीविजन एक्टर्स अब ओटीटी स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। नए शोज हर रोज अनाउंस किए जा रहे हैं और इसी के बीच में हम आपको बता दें, एक और एक्ट्रेस का नाम सामने आया है जिसने इस ओटीटी स्पेस के बैंडवैगन को ज्वाइन कर लिया है, और वो एक्ट्रेस है निमरत कौर आलूवालिया, जिनको हम छोटी सरदारनी में पहले मेहर के कैरेक्टर में देख रहे थे और अब वो नज़र आ रही है सहर के रोल में। एक्ट्रेस जल्दी ही अपना डिजिटल डेब्यू कर सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि टीवी पर उनकी मैसिव फैन फॉलोइंग है और अब निमरत कौर आलूवालिया को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो इस फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के बैनर के अंदर बनने वाले वेब शो हीरा मंडी का हिस्सा हो सकती है। हीरा मंडी से निमरत भी अपना डिजिटल डेब्यू कर सकती है। हालांकि उनके रोल को लेकर कोई ज़्यादा बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लेकर कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली ने हाल ही में ही ये बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि वो नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इस बिग बजट सीरीज के लिए जिसका टाइटल हीरा मंडी है, जो कि लाहौर के कोटेसंस के ऊपर बेस्ड है और उनकी स्टोरी को दर्शाएगा। संजय लीला भंसाली ने कहा है कि ये वन ऑफ अ काइंड सीरीज होगी, ये एक माइलस्टोन होने वाला है एज अ फिल्म मेकर उनकी जर्नी में। संजय ने ये भी बताया कि वो पिछले 14 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और ये उनका अब तक का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि उनकी जो मूवीज़ होती है वो कितनी ग्रैंड होती है। देखना ये होगा कि नेटफ्लिक्स के साथ वो हीरा मंडी को कितना ग्रैंड बनाते हैं। संजय लीला भंसाली ने बताया कि ये जो सीरीज़ है ये होगी अबाउट लव, बिट्रेयल, सक्सेशन और कोठास में किस तरह से पॉलिटिक्स खेली जाती है उसके बारे में। निमरत कौर आलूवालिया के अलावा जो एक्ट्रेसेस इस शो में हमें नज़र आ सकती हैं वो है माधुरी दीक्षित एंड रेखा। जी आपने सही सुना, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस माधुरी दीक्षित और रेखा का नाम भी हीरा मंडी के लिए सामने आ चुका है।